27 साल बाद पाकिस्तान में आलमी इकट्ठ है, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गई हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरदहान, अहम शख्सियात और वफूद की आमद। चीन, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म आ गए हैं। मौसस मेहमानों का एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसान इस्तकबाल किया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुँचे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़ निगाह बन गया। 27 साल बाद वतन अजीज में आलमी बैठक, शंघाई ताबुन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और मंदुबीन की आमद। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचक वफ्द के हमराह पाकिस्तान पहुंच गए। किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान आमद। नायब सदर भी पहुँच गए। मौजूद मेहमानों का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म काजिकिस्तान औलज़ाफ बेक्टिनोव पहुँचे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। बाहमी तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और इलाकाई रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से काजिकिस्तान के वज़ीर आज़म औलज़ाफ बेक्टिनोव ने भी मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ।